हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में सो so, आज की इस पढ़ले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि कॉग्निजेंट में आई हुई है और बहुत से लोग अभी सिलेक्शन हो रहा है कॉग्निजेंट का बहुत अच्छे बहुत लोगों ने मेरे से कंसल्ट किया है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जरूर अप्लाई करना और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैं बता देता हूँ दैट इज़ अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन की हो जो जो कि तीन ईयर्स का है ठीक है कोई भी ग्रेजुएशन जो कि तीन ईयर्स का है ट्वेंटी और ट्वेंटी तीनों बैचेस एलिजिबल हैं किसी भी ग्रेजुएशन से हो अगर वो तीन साल का आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज़ बी बी ए बी ए कोई भी ग्रेजुएशन ठीक है इट इज एन ओनली आई एम एग्जाम्पलिंग बीकॉम भी होता है साल का बीबी होता है तीन साल का सो इट विल डिपेंड ऑन दैट थिंग कि अगर आपका साल का यू हैव थ्री ईयर ऑफ डिग्री देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हो सो so अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अपना कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना ग्रेजुएशन ईयर बिकॉज इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कॉग्निजेंट में आई हुई है बहुत लोग सेलेक्ट हुए तो चलते हैं स्क्रीन पर सारी चीज देखते हैं अपना ग्रेजुएशन ईयर जरूर कॉमेंट डाउन करके बता देना बिकॉज दिस काइंड ऑफ वीडियो कम फ्रॉम दैट कॉमेंट बॉक्स ओनली उन कॉमेंट बॉक्स से ही निकाल के हम वीडियोस यहाँ पे लाते हैं तो कमेंट डाउन करके जरूर बताना चलते हैं स्क्रीन पे सारी चीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो अप्लाई करके भी दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है ठीक है 25th ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट है जल्दी-जल्दी अप्लाई जरूर कर देना चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द मेन साइट द जॉब सुपर सेट जॉइंट सूट सुपर सेट जो कि लाइक इट इज अ काइंड ऑफ अ साइट जहां पे ना असेसमेंट्स होते हैं कॉग्निजेंट के और भी डिफरेंट कंपनीज के होते हैं फिलहाल कॉग्निजेंट के बहुत ढेर सारे असेसमेंट पहले भी हो चुके हैं और बहुत लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि मेरा सर लाइक सिक्सटी परसेंट से कम है तो कोई ऐसी कंपनी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट अगर मैं दिखा दूँ तो ये यहाँ पे फिफ्टी परसेंट मांग रहा है ठीक है फिफ्टी परसेंट अगर आपका है टेंथ ट्वेल्थ यू जी में तो आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा किया तभी भी अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा लीनियर बस केवल डिप्लोमा किया तब नहीं अप्लाई कर सकते हो मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो तीन साल का मिनिमम तब अप्लाई कर सकते हो ठीक है एज यू कैन सी ईयर की एंड कैंपस एच आर टीम ठीक है इंड ही इज हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए हायर कर रहे हैं दैट इज एनी

बारह बजे दोपहर में ये खत्म हो जाएगी जल्दी से अप्लाई कर देना वीडियो थोड़ी लेट आ रही है सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वॉज बिजी इन शिफ्टिंग एंड ऑल एज यू कैन सी बैकग्राउंड आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली यही सारी चीजें हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग यू कैन सी ईयर द जॉब फंक्शन वट इज़ द जॉब फंक्शन बेसिकली कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई से रिलेटेड हो सकता है और कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट से हो सकता है रिलेटेड इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट ठीक है ये आपकी ट्रेनिंग पर डिपेंड करेगा आपके रोल पर डिपेंड करेगा द सटी सी इज गवेन है दैट इज टू पॉइंट फाइव टू एल पी एपे सारी चीज़ें मैंशन है एवरीथिंग इज मेंशन आप पैकेज में बहुत ज्यादा मत जाना बिकॉज इट इज अ नाइस पैकेज ठीक पैकेज है ठीक है स्टार्टिंग के लिए ठीक है अगर आप टीय थ्री कॉलेज से हो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं है आपके सो so आप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है सो एज यू कैन सी हि द जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली एवरीथिंग इज गिवन है दैट यू विल बी रिस्पॉसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द आई टी इंफ्रास्ट्रक्च सपोर्ट कवरिंग द क्लाउड प्रेमिस प्रोडक्ट्स लाइक विंडोज एज देन एम एस ऑफिस एंड अदर बिजनेस रिक्वायर एप्लीकेशन ठीक है कोलेबरेट विद फाइव फाइव पॉइंट सिक्स मिलियन प्लस यूजर्स एंड एन्श्योर द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ठीक है फंक्शनलिटी ऑफ बिजनेस सारी चीजें इंश्योर करनी है मेन मेन चीजें मैं आपको बता देता हूं दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड देन यूजिंग हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज रिक्वायर्ड ये सारी चीजें आई विल भी मैंशन दीज वट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल मैंशन ऑन माई वेबसाइट सो नो नीड टू वरी अबाउट द दरी फर्स्ट थिंग यू विल गेट एज ऑफ माई वेबसाइट ओनली सो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली टैप करोगे वहां पर एक पूरा पेज दिखेगा जहां पर यही सारी एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बस मैंशन होगी दैट इज रेलिवेंट टू यू ठीक है नेक्स्ट थी एंगेज इन द बिजनेस इंट्रक्शन विद द एंड यूजर एन वे द अप्रोचेज ठीक है तो ये सारी चीजें यू नीड टू थिंक ऑफ एंड वॉट आर द एलिजिबिलिटी एज आई हैव टोल्ड यू कि थ्री ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड फिफ्टी परसेंट इन टेंट ट्वेल्थ डिप्लोमा यू जी नो स्टैंडिंग बैकलॉग्स बैकलॉग आपके कोई नहीं होने चाहिए सारे बैकलॉग क्लियर आउट हो जाने चाहिए जब आप ये फॉर्म भर रहे हो ठीक है तो जैसे नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तीनों पास आउट हो चुके हैं बैचेस सो so, ठीक है तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड पी इज़ नॉट एलिजिबल अगर आप पी है कोई तो आप एलिजिबल नहीं हो यू जी मेनली एलिजिबल है तो यहाँ पर हम लोग एंटर किए अप्लाई पे क्लिक किए देन आई नीड टू फिल माई लाइक माई ई मेल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द कम्युनिकेशन विल बी हेल्प थ्रू दिस ई मेल आई डी ओनली सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ कर दी है I filled my email ID and I have clicked on that and I need to just click on register and apply. So this is the page that will come. I will show you. यहाँ पे मैंने अनुराग भर ये भर दिया. I have tapped this. Then I will click on this one. That is my full name. I have filled my birth of date of birth. I need to fill. These are the things that are important because ये सारी चीजें आपका decide करतीं eligibility. So सारी चीजें जो भी आप भर रहे हो बहुत ध्यान से भरना. And you need to cross check everything. ये मैंने भर दिया. Then my I am male. Then what you need to you can also fill out like यहाँ से आप अपने पिन कोड से भी खोज सकते हो कॉलेज इट विल डिपेंड ऑन दैट यहां पे मैंने क्लिक किया देन आई विल क्लिक ऑन फाइव सो वेन यू विल एंटर सपोज आपको कॉलेज नहीं मिल रहा बट यू नोड पिन कोड ऑफ योर कॉलेज उस लोकेलिटी का पिन कोड बताया तो आई हैव टैप्ड ऑन दैट वन फाइव टू वन जीरो सेवन दैट इज द लोकेलिटी ऑफ माई कॉलेज ठीक है तो वो मैंने कर दिया और मेरा कॉलेज यहां पे सो so सारे कॉलेज है वो सारे लिस्टेड हो जाएंगे तो यहां से मैंने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया एंड माई यूनिवर्सिटी रोल यू नीड टू एंटर सो वो मैं एंटर कर रहा हूँ वन सिक्स जीरो टू एट वन जीरो सेवन टू दैट इज माई यूनिवर्सिटी रोल नंबर सो मैंने कर दिया दैट इज देन यू नीड टू एंटर योर प्राइमरी ई मेल एड्रेस एंड प्राइमरी यू नीड टू कन्फर्म यहां पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है सो वॉट यू नीड टू डू यहाँ पे आप यहां पे सेम मेल आई डी आपको ऐसे फिल आउट करनी है इट इज़ जस्ट टू री चेक ये स्टोर नहीं होती है ये री चेक करने की है कि क्या नाम है एंड दिस आई है फिल्ड की दिस इज सेम एज माई प्राइमरी ई मेल एड्रेस ये मैंने कर दिया यू कैन ऑल्सो लाइक एंटर डिफरेंट मेल एड्रेस हेयर ऑल्सो यहाँ पर डिफरेंट मेल एड्रेस आप भर सकते हो अगर ये चेक बॉक्स आपने ही चेक करते हो ठीक है नेक्स्ट है व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू लाइक सेलेक्ट योर मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर फिल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है ठीक है तो आप आपको अपना ये क्या कहते हैं दैट इज यू नीड टू फिल योर पासवर्ड आप मेरा मोबाइल नंबर ट्राई मत करने लगा बिकॉज़ इट इज नॉट करेक्ट ये मैंने पासवर्ड एक स्पेशल uh, कैरेक्टर एक uh, क्या नाम है अपर uh, केस ये सारी चीजें भर के मैंने कर दिया आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन देन यू डू क्लिक ऑन आई एम नॉट अ रोबोट दिस इज द ओनली स्टेप दैट इज ऑफ रजिस्ट्रेशन ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा दैट इज इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड मेनी थिंग्स इट विल डिपेंड ठीक है तो यहां पर इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आई डोंट नो वाई सो ये मैंने कर दिया सो इट इज डन लाइक आई हैव डिस्कनेक्टेड एंड कनेक्टेड अगेन सो दिस इज द मेल आई लाइक इट विल शो ऑल यूर इंफॉर्मेशन टू

एंटर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट ठीक है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऐसा नहीं है कुछ आपके घर जाने वाला है बट इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है सो आई विल एंटर दिस ओके आई हैव हैवेंटर दिस थिंग एंड आई विल क्लिक ऑन सेव एंड चेंजेस सेव चेंजेस में मैंने क्लिक कर दिया एंड यू कैन ऑलसो क्लिक ऑन ये दोनों चेंजेस मेरा सेम है करंट एड्रेस और वो परमानेंट एड्रेस तो मैंने चेक कर दिया है देन यू प्लेसमेंट डिटेल्स प्लेसमेंट डिटेल्स में आप क्या आप सकते हो वॉट आर द एस्पिरेशन ठीक है सो so, यहाँ से आप ये कर सकते हो वॉट आर यू लुकिंग फॉर प्लान टू अप्लाई फॉर द ऑफ कैंपस ये मेनली सुपर सेट के लिए है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल आई डीज पर आने लगेंगी सो आई हैव क्लिक ऑन दिस एंड आई विल क्लिक ऑन दिस सेव एंड लाइक दिस वन देन योर डोमेन माई ज आई टी तो आई टी मैंने क्लिक कर दिया सेव चेंजेस मैंने कर दिया देन आई नीड टू अटैच माई रेज्यूमे आई वी क्लिक ऑन अटैच माई रेज्यूम पेज विल कम सो आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम ऑफ यू रेज्यूमे माई नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव सो आई विल स्पेसिफाई माई नेम एंड आई विल अपलोड दिस फाइल इट विल टेक सम टाइम एंड द फाइल विल भी अपलोड बेसिकली ये फाइल अपलोड हो जाएगी और आगे थोड़ा सा वेट करना है थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ये कॉम्प्रेस होती है नाम चेंज होता है बहुत चीज़ें होती है बैकग्राउंड में सो इट इज़ डन आई थिंक सो यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं हाँ माई रेज्यूम हैज़ बिन अटैच्ड आई विल क्लिक ऑन एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू वेरीफ़ाई माई मेल एड्रेस ठीक है वेरीफ़ाई करना पड़ेगा अटैच देख सकते हो ना अर रेज्यूम हैज़ बिन अटैच्ड सो मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ एंड अब पासवर्ड विल बी सेंड लाइक ओ टी पी काइंड ऑफ थिंग विल भी सेंड टू माई मेल आई डी सो मैं वो खोल लेता हूँ आई विल ओपन माई मेल आई डी फ्रॉम हेयर एंड आई विल चेक ऑन दैट कि कौन सा मेल आया हुआ है सो दिस इज अट टी पी दैट हैज बीन सेंड बाई द सुपर सेट दिस इज द मेल आई डी यू कैन ऑल्सो इफ यू डोंट रिसीव द मेल यू कैन ऑल्सो चेक इन द स्पैम स्पैंड फोल्डर में भी चेक कर सकते हो सो हैव डन दिस आई विल क्लिक ऑन वेरीफाई ओ टी पी वेरीफाई कर दिया वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ बहुत ही लेबोरेटिव बहुत ही सही वीडियो है मैंने पूरे अपने लाइक सारा रिसर्च करके बनाया है देन यू वी क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट ठीक है सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे यू नीट टू हेर क्लिक ऑन यूर लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन सो अगर आपने कंप्लीट कर लिया थोड़ा सा लोड करने में टाइम लेगा यू नी टू फिल ऑल द डिटेल्स सारा चीज डिटेल्स भर दोगे उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आपको एक रजिस्ट्रेशन का मेल आएगा कि हाँ यू राइट और आपका टेस्ट इस दिन है वो सारी आपको बाद में मिलेगी पच्चीस तारीख से पहले बस भर देना थोड़ा सा टाइम इन सारी चीजों में लगेगा बट यू नीड टू फिल ऑल दिस थिंग्स ठीक है सो so ये सारी चीजें थी दिस वॉज ऑल अब वीडियो मैंने सारी चीजें बता दी कैसे अप्लाई करना है क्या प्रोसेस होने वाला है ज्यादा इलाबोरेट नहीं गया वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती इसी वजह से एंड यू कैन टैप ऑन दैट लाइक बटन लाइक बटन पर जरूर टैप कर देना और कॉमेंट डाउन करके जरूर बताना किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए बिकॉज फ्रॉम दैट ओनली आई कम अप कि इस टाइप की वीडियोस बनानी है इस टाइप की वीडियोस की डिमांड आ रही है तो वैसे ही वीडियोस बनाते हैं सो so, इसीलिए बस रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट डाउन करके देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज इट इज़ अ वेरी लेबोरेटिव वीडियो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं सारी चीज़ें करके दिखाई कि हाँ ये मेल आता है ऐसे आता है ये आता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम लाइक ये कन्फ्यूजन होती है मेल आता है नहीं आता, है, मेल, आता है, मेल आते हैं ऐसे ही मेल आते हैं यू नीड टू फिल ऑल दिस थिंग्स सो दिस वॉज ऑल अपने वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें आपको डेली मिलती रहती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट डाउन जरूर करके बताना कि अपना ग्रेजुएशन ईयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चयन वंदे मातरम